नितेश तिवारी की रामायण को लेकर इन दोनों खूब चर्चाएं की जा रही हैं, खासकर स्टार कास्ट को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्रीराम के किरदार में रणबीर कपूर को फाइनल करने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर रावण के किरदार में यश को देखना वाकई दिलचस्प साबित होने वाला है। खास बात तो ये रही कि सनी पाजी इस फिल्म में श्री हनुमान जी के किरदार में नजर आने वाले हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि निर्देशक की नजर अब सूर्पनखा के कास्ट पर पड़ी है। आखिरकार फिल्म रामायण में सूर्पनखा कौन बनेगा, इस बात को लेकर अब एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। नितेश तिवारी की रामायण इन दोनों काफी ज्यादा सुर्खियों बनी हुई है। नितेश तिवारी के रामायण में नए नए स्टार्स की एंट्री हो रही है। अब तक इस फिल्म में रणबीर कपूर, यश, सनी देओल, बॉबी देओल समेत कई स्टार्स की एंट्री हो चुकी है। लेकिन अभी हाल ही में माता सीता के किरदार के लिए जाह्नवी कपूर का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि साई पल्लवी फिल्म से बाहर हो चुकी है। अब इन सब के बाद अब फिल्म में सूर्पनखा के रोल के लिए एक एक्ट्रेस का नाम सबसे ज्यादा ऊपर बताया जा रहा है और इनका नाम रकुलप्रीत सिंह है। जी हाँ, पिंक बिला की रिपोर्ट की माने तो रकुलप्रीत सिंह को फिल्म के इस रोल को लेकर बातचीत चल रही है। अब सूर्पनखा के रोल के लिए रकुलप्रीत सिंह को कास्ट कर लिया गया है। फिल्म में रकुलप्रीत सिंह का किरदार काफी अहम होने वाला है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि मेकर्स ने अभी तक सूर्पनखा के रोल के लिए रकुलप्रीत सिंह को कास्ट करने की जानकारी नहीं दी गई है। अभी मेकर्स की अधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि रकुलप्रीत सिंह मौजूदा समय में रामायण फिल्म में अपनी कास्ट के साथ साथ अपनी शादी को लेकर भी चर्चाओं के केंद्र में बनी हुई है। रकुलप्रीत सिंह एक्टर जैकी भगनानी संग शादी रचाने वाली है। खबरों के मुताबिक जैकी भगनानी और रकुलप्रीत सिंह की शादी 21 फरवरी 2024 को गोवा में होने वाली है। इस शादी में इन दोनों के फैमिली मेंबर्स और करीबों के आने की संभावना जताई जा रही है।